हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बैग से संबंधित जानकारी। ठीक है, ये जो आपके सामने नोटिस है ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ठीक है, परीक्षा से संबंधित नोटिस है और ये आपका 23/11/2022 में रिलीज़ हुआ है, तो आज ही का नोटिस है ये। और इस नोटिस में जो मेन बात होगी वो बैग से रिलेटेड होगी। ठीक है, जिन बच्चों की बैग आई हुई है किसी सेमेस्टर के अंदर तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है, बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है जिनकी बैग किसी सेमेस्टर के अंदर नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है विज्ञप्ति के अंदर कि विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित जो प्रस्नातक जैसे एमए हैं, एमकॉम, एमएससी, एमए, एमएससी एग्रीकल्चर और उसके बाद है एलएलएम, केवल सम सेमेस्टर। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ये फॉर्म निकले हैं बैक के ये सिर्फ केवल सम सेमेस्टर, ठीक है, जो इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जैसे कि सेकंड या फिर अपना फोर्थ, उन्हीं के लिए, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये एग्ज़ाम फॉर्म है, बाकी के लिए नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ सम सेमेस्टर के लिए एवं स्नातक स्तर की सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी गृह विज्ञान और सम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा बैक। देखिए यहाँ पे चाहे मुख्य परीक्षा हो, बैक हो या पेपर परीक्षा या भूतपूर्व एक्सीडेंट की परीक्षाएँ तथा सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित, ठीक है, एलएलबी जो 3 साल की है सेमेस्टर, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेमेस्टर, ठीक है, सेमेस्टर जून 2022 की परीक्षाओं तथा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त स्नातक और प्रस्नातक पाठ्यक्रमों को छोड़कर कि सेमेस्टर यानी कि जून 2022 जो परीक्षाएं संपन्न कराई जा चुकी हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम हो चुके हैं 2022 में, जून 2022 में जो परीक्षाएं हुई थी परीक्षा परिणाम घोषित भी हो चुके हैं उनके। उसके बाद देखिए क्या न्यूज़ है, 23/10/2022 में लिए गए संकल्प के अनुसार संदर्भित समस्त पाठ्यक्रमों की स्पेशल, ठीक है, जो स्पेशल सेमेस्टर परीक्षा है वो आयोजित कराई जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये सभी कोर्सेज के लिए है लेकिन वो सम सेमेस्टर होने चाहिए। उसके बाद चलते हैं, देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि जो उपरोक्त संदर्भ में पाठ्यक्रमों के समस्त छात्र छात्राओं के लिए विशेष सम सेमेस्टर, देखिए बार बार इसी चीज़ का जिक्र किया जा रहा है, सम सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के जो फॉर्म है कुलपति जी के आदेश अनुसार, इस जो वेबसाइट है www.ccsuniversity.ac.in या फिर दूसरी जो वेबसाइट है ccsweb.in पर आप जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे वो कौन कौन सी डेट है जहां पर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए कौन सी डेट से जो है स्टार्ट किया जा रहा है, जो प्रारंभ की तिथि है परीक्षा फॉर्म भरे जाने की वो 23/11 है और जो लास्ट डेट है अंतिम तिथि वो 29 है। उसके बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के अपने फॉर्म के साथ में 1/12/2022 तक आप लोग जमा करा देंगे, फिर उसके बाद जो आपका कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेगा 3 तारीख तक, ठीक है, 1 में आप जमा कराएंगे, वो 2 और 3 में जो है यूनिवर्सिटी के अंदर आपके जो भी एग्ज़ाम फॉर्म है उन्हें सबमिट करा देंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जो है परीक्षा से संबंध, जो बैक की परीक्षाएँ चल रही हैं, ठीक है, जो बैक की परीक्षाएं अभी होंगी, एग्जाम फॉर्म जिनके स्टार्ट हो चुके, तो उनसे संबंधित कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जिनका हम लोग थोड़ा सा विस्तार से डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा डीपली हम लोग इन्हें चेक करेंगे कि क्या ऐसी बातें, कौन कौन से पॉइंट हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना है। विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक 13/10/2022 में यह संकल्प लिया गया केवल सेमेस्टर परीक्षा के ऐसे छात्र जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है किंतु किसी एक सम सेमेस्टर के अंतर्गत, ठीक है,
जो है पास ना होने के कारण अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, ठीक है, अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल सम सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो अपनी जो डिग्री है उसे कंप्लीट करने का इनके पास ऑप्शन है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऐसे छात्र जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम के समस्त सेमेस्टर पूर्ण नहीं किए हैं, परीक्षा फॉर्म भरने हेतु, ठीक है, वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। देखिए ऐसे समझिएगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा, ठीक है, आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, या तो आप थर्ड में हैं या फोर्थ में हैं, और इसमें आपकी बैक है, ठीक है, तो आप अभी फिल नहीं कर सकते। तो इसमें बताया गया कि वो विद्यार्थी जो अभी तक अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, लास्ट का जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिए हैं, वो सम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म अभी नहीं भरेंगे, ठीक है। ये स्पेशल बैक के फॉर्म है, ये स्पेशल बैक के फॉर्म उन्हीं लोगों के लिए हैं जो अपना कोर्स अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन कोई सेमेस्टर उनका रुका हुआ है। उसके बाद चलते देखिए पॉइंट नंबर 3, परीक्षा फॉर्म केवल सम सेमेस्टर 2, 4, 6, 8, 10 या फिर विषम सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 हेतु फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो है सिर्फ इसी हेतु है, यानी कि जो परीक्षा फॉर्म है वो 2, 4, 6, 8, 10 के लिए हैं, ना कि 1, 3, 5, 7, 9 के लिए हैं, ठीक है, इसके लिए फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, लेकिन इसके लिए हेतु हैं। देखो यहाँ पे ले रखा है कि इसके लिए हैं और इसके लिए नहीं हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 में, विश्वविद्यालय अनुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ दो जो है सेमेस्टर के फॉर्म नहीं भरेगा। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 6 में, ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें पुनः परीक्षा देने की सुविधा विश्वविद्यालयों के अनुसार नहीं है, तो ऐसे छात्र छात्राओं को पुनः परीक्षा फॉर्म जमा कराते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उस छात्र ने उन कोडों को दोबारा तो नहीं भर दिया है, ठीक है, जिसमें रीबैक अलाउड नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसमें रीबैक अलाउड नहीं है तो उनके फॉर्म नहीं भरे जा सकते। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं, 7 में क्या दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक 13 में यह भी निर्णय लिया गया कि जो बच्चे जिनका पाठ्यक्रम की अवधि पूर्ण हो चुकी है और पूर्ण होने के बाद 1 साल कालबंधित हो चुके हैं तो उन्हें 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, और अगर कालबंधित की अवधि 2 वर्ष है तो 10,000 रुपये की जो है विलंब शुल्क अलग से देना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 8 में, समस्त जो छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरे जाने से पूर्व जो विश्वविद्यालय उसकी जो वेबसाइट है उस पर जो समस्त नियम है उनका अध्ययन कर लें। और पॉइंट नंबर 9 में ये दिया गया है आपके लोगों के लिए कि दिसंबर 2022 की विषम सेमेस्टर परीक्षा जो परीक्षाएं हैं में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा फॉर्म भरा गया है, उनका सम सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो इसमें साफ साफ दिया गया है कि आप एक साथ दो फॉर्म नहीं भरेंगे, सिर्फ एक ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी, कोई आपका डाउट कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।